अगर आप लोग को लगता है कि मैं एक ऐसे कंपनी में ज्वाइन करूं जहां पे मुझे ज्वाइनिंग के समय ना तो रहने का 1 रुपये लगे और ना 3 टाइम खाने का 1 रुपये लगे, तो यहां पे ये कंपनी आपको बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ये कंपनी आपको रहने और 3 टाइम खाने का व्यवस्था पूरा करा के देगी। देखिए नॉइस थोड़ा आ सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। जस्ट मीन्स यहाँ पे अगर मैं आपके साथ में शेयर करूँ तो ये कंपनी आपको रहने के लिए रूम, एकदम बेड वाला रूम है, A1 कंडीशन का रूम है वाला रूम मिलेगा और 3 टाइम खाने का फैसिलिटी मिलेगा। मतलब क्या है कि ये PG टाइप का रूम है, पीजी टाइप के रूम में आपको बेड लगा रहता है। कुछ फोटो इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पे साइड में ये बेड रहेगा, बेड के ऊपर गद्दे भी रहेंगे और 3 टाइम का खाना का फैसिलिटी भी मिलता है। इनफैक्ट इसका कुछ अलग मैसेज है, इसका कुछ अलग फंडामेंटल्स है, वो भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसे फ्री नहीं कह सकते, रहना और 3 टाइम खाना आपको स्टार्टिंग पीरियड में आपको जो है सो वहाँ पे जाते ही पैसा नहीं देना, लेकिन सैलरी के साथ में डिडक्शन होता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड होता है कि चलो भाई आपके लिए कंपनी तो इतना सोचती है कि रहना और 3 टाइम खाना का व्यवस्था करा देती है, दरअसल वो सैलरी से पैसा कट कर लेगी, लेकिन आप काम तो स्टेबल होके करोगे ना। मान लिया आपके पास में 500 रुपये भी नहीं है, आप जाते हो वहाँ पे काम करने के लिए, सिर्फ आपके पास में टिकट्स के पैसे है, तो वहाँ पे आप स्टेबल हो जाओगे, आपको रहना 3 टाइम खाना मिलेगा, आपको सिर्फ काम से मतलब है, आपका पेट तो भरा रहेगा, आपके सर के ऊपर छत तो रहेगा, तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन आप लोग पूरा समझिए, अभी BBD भी चालू होने वाला है, यानी कि बिग बिलियन डे भी चालू होने वाला है, तो बिग बिलियन डे चालू होने वाला है तो यहाँ पे पोटेंशियल ही पोटेंशियल दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 17 अगस्त से पहले आप लोग कंपनी आके डेफिनेटली से ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि बाद में एक्सक्यूज नहीं, मेरे को मौका नहीं मिला। अरे भाई मौका सबको मिलता है, अगर उस मौका से आप चूक गए तो फिर क्या ही कहना इसमें। इन्फॉर्मेशन समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई और नहीं समझेगा आपके अलावा। जस्ट मीन्स अभी बहुत बेहतरीन ग्रांड ओपनिंग है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट का ओपन पोजिशंस पे रिक्वायरमेंट होने वाला है फ्लिपकार्ट कंपनी में, और फ्लिपकार्ट कंपनी में ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहेगा, क्योंकि देखिए रहने खाने की व्यवस्था अगर कंपनी के तरफ से करा दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा खासा अवसर रहता है कि हाँ चलो भाई हमारे वर्कर्स जो भी आएंगे स्टेबल हो जाएंगे और काम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर फ्लिपकार्ट, यहाँ पे फ्लिपकार्ट में वर्क प्रोफाइल तो आप लोग को बेहतर पता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि मुझे सिर्फ पैकिंग डिपार्टमेंट में काम दिलवाइए, मैं पैकिंग का ही काम करूंगा, लेकिन ऐसा सरासर नहीं होता। यहाँ पे आपको जो काम करना होता है मिक्सअप पोस्ट पे काम करना होता है, आपको पैकिंग भी करना है, पिकिंग भी करना है, स्कैनिंग भी करना है, लोडिंग अनलोडिंग भी करना होता है। एक्सक्यूज करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे सभी प्रकार के प्रोफाइल पे काम करना होता है, पिकर्स का, पैकर्स का, चेकर्स का, लोडर्स का। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने सिंपली एक प्रोफाइल पे काम कर लिया, दूसरे प्रोफाइल पे मुझे काम नहीं करना है, जो भी सुपरवाइजर वहाँ पे बोलेंगे वो सारा काम आपको करना होगा। तो यहाँ पे पैकर्स, पिकर्स, चेकर्स सबका काम करना होगा। लोकेशन इसका जो होने वाला है हैदराबाद तेलंगाना में होने वाला है, मतलब यहाँ पे जो काम रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में रहेगा, हैदराबाद में संगड़ डी लोकेशन में काम रहेगा और पतनचेरी में रहेगा। तो संगड़ एडी और पतनचेरी लोकेशन में ये आपका काम रहने वाला है, तो संगड़ एडी और पतनचेरी लोकेशन में ये काम रहेगा। एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स और 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस, अगर किसी को 1 साल से 2 साल का अनुभव है इस कंपनी में तो उसका वर्क प्रोफाइल अलग मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर्स है तो उसको असिस्टेंट का ही काम मिलेगा, जिसमें उसको पैकिंग का, पिकिंग का, चेकिंग का, बैगिंग का ये सारा काम उसको करना होगा। राइट नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस इसमें साफ साफ लिखा गया है क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी नहीं है, अगर आप 8वीं पास हो 5वीं पास हो उस बेसिस पे भी चलोगे, लेकिन बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब बेसिक इंग्लिश रीड एंड राइट करने आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ना लिखना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपको होना ही चाहिए। राइट नाउ अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो एनीथिंग इज फाइन बट दे शुड रीड एंड राइट, मतलब अगर आपको हिंदी आता है, भोजपुरी आता है, मराठी आता है, तेलुगु आता है, डजंट मैटर, लेकिन इंग्लिश में आपको रीड एंड राइट करने आना चाहिए, मतलब पढ़ने लिखने आना चाहिए। बोलने के लिए कोई नहीं कहता कि आप इंग्लिश में बोलो ये करो। अगर मान लिया ये जो मैं कुछ प्रोडक्ट है जो मैं आपको एग्जांपल भी शेयर कर सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं है, मान लिया ये मेरा माइक है, माइक के ऊपर क्या लिखा हुआ है ग्रीन आरो, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन आरो लिखा हुआ है,
तो ये माई ग्रीन आरो का है। तो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे अगर इंग्लिश भाषा में है तो इसको पढ़ने आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो वो पढ़ने आना चाहिए कि ग्रीन आरो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जेंडर में मेल फीमेल बहुत कैंडिडेट की हायरिंग है, रिक्वायरमेंट 150 कैंडिडेट का है, 150 कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है साहब, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप आना चाहते हो, अगर आपको रहना खाना सब फैसिलिटी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि फ्री में मिलेगा, मैं कोई वीडियो में नहीं बोला कि रहना खाना फ्री में मिलेगा, भाई उसका पैसा सैलरी से डिडक्ट होगा, लेकिन फैसिलिटी आपको पहले मिलता है। सो यहाँ पे देख सकते हो नोट में है, नीड इमीडिएट ज्वाइनर, लोकेशन संगारेड्डी हैदराबाद में होने वाला है, रूम फैसिलिटी फ्रॉम आउट आवर साइड एंड विथ 3 टाइमिंग फूड। तो यहाँ पे जो है रहना और 3 टाइम खाना मिलता है, जिसका पैसा 4,000 रुपये आपके सैलरी से कटेगा। रहना और 3 टाइम खाना का पैसा, पीजी टाइप का रूम मिलता है, तो रहना और 3 टाइम खाना का पैसा जो है 4,000 रुपये आपके सैलरी के साथ डिडक्शन होगा। एज लिमिट 18 से 35 साल है, यानी कि मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। तो 18 से 35 साल तक का जो भी कैंडिडेट है, मेक श्योर डेफिनेटली वो इस कंपनी में चलने वाले हैं। अब सैलरी जो यहाँ पे मिलेगा 14,617 रुपये इन हैंड है, ये है आपका 9 घंटे और 26 दिन का 14,617 रुपये इन हैंड है, बट इन दिस विल डिडक्ट रूम अमाउंट एंड फूड अमाउंट। तो यहाँ पे क्या है, 4,000 रुपये इसमें से सैलरी से रहना और खाना का कटेगा, तो कितना बचेगा, 10,617 रुपये 9 घंटे और 26 दिन का, रहना और 3 टाइम खाना का पैसा कट करके 10,617 रुपये आपको इन हैंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। बात समझिए, 15 तारीख से, अगर 15 से 17 तारीख से बीबीडी चालू होने वाला है, तो 20 तारीख से आपको ओवरटाइम डेफिनेटली से मिलेगा, ओवरटाइम मिलेगा, तो ओवरटाइम लेकर के आप कम से कम इधर 16,000-15,000 रुपए पैसे बचा सकते हो, 5,000-6,000 रुपए ओटी से यहां पे कमाई हो जाना चाहिए और होता ही है। तो 4 से 5,000 रुपए मैक्सिमम ओटी से कमाई होगा, वो बीबीडी चालू होगा तो डेफिनेटली से वो कमाई होगा। लेकिन यहां पे बता दूं आपको, यहां पे ओवरटाइम मिलेगा तो एज फॉर यहां पे कंपनी में काम के ऊपर मिलेगा। अब देखिए यहां पे जो बेसिक अमाउंट है 14,617 इन हैंड है, इसमें खाना का पैसा अलग से कट होगा, रूम का कलर कट होगा, मतलब टोटल 4,000 कट होगा, तो 10,617 बचेगा। सीटीसी इसका पेमेंट जो है, सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपए आते, तो सीटीसी 18,000 है, जिसमें पीएफ ईएसआईसी का कटता है, प्लस में रूम का फूड का कटता है, तो 10,617 रुपए 9 घंटे और 26 दिन काम का आता है। अब बात कर लेते ओटी के बारे में, तो ओटी हो सकता है 18 या 20 अगस्त से चालू हो जाए, तो 18 या 20 अगस्त से ओटी चालू हो जाएगा, वेल ओटी चालू होगा तो वहां पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, या आगे से इन्फॉर्म मुझे ओटी के बारे में किया जाता है, मैं अपने मन मुताबिक बातें नहीं बोलता। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, आप जितने भी सारे रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उस जॉब का चार्जेस या फिर फीस नहीं लगता, इसके लिए आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। दरअसल एडवर्टीजमेंट हम आपके साथ में शेयर करते हैं इस जॉब के लिए, आप लोग अभी से एक सर जिनका नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनका व्हाट्सएप नंबर 687 होगा लास्ट में, और कॉलिंग नंबर 48 होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनफैक्ट जॉब्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।